वेलकम बैक व्यूअर्स, हम मौजूद हैं अपने गेस्ट कॉर्नर में। हमारे दो साथी मौजूद हैं, रिट्स एंटरटेनमेंट के विंसेंट लॉरेंस एंड विक्टर लॉरेंस, सैम एंड जेरी, और एक साथी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मौजूद थे, टिम्मू। वो थोड़ा सा गए हैं जरा आराम आराम करने के लिए, थोड़ी ब्रेक के दौरान भागे वो, तो कोई बात नहीं, नए साथी आ जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि इनके पास कोई 100 से भी ज्यादा पॉपेट्स होंगे, है ना। और सिर्फ बच्चों ही के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी आप करते हैं, लेकिन बात हम ये भी जानेंगे जरूर, क्योंकि अब इतने सारे लोग ये पॉपेट्री कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये सोचे समझे बगैर कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो जो स्किट दिखा रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो उससे कोई लेसन भी मिल रहा है बच्चों को, बच्चे उससे अच्छी चीजें पिक करने की बजाय खराब चीजें तो नहीं पिक कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आप इन पे कितना ध्यान देते हैं? स्क्रिप्ट राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं या लिखवा भी रहे होते हैं किसी से, तो हम खुद बैठते हैं उनके साथ और इस चीज का बड़ा ख्याल करते हैं कि लैंग्वेज जो बच्चों को हम सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसका बड़ा ख्याल रखें, ताकि अबे तू तड़ाक वाली जो लैंग्वेज है वो बच्चे अडॉप्ट ना करें। अदरवाइज जब पपेट ये इस तरीके की लैंग्वेज करता है तो वो उसको बहुत जल्दी से है ना ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, और वही यूज करना शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी पपेट ने बोला था तो वो लाइक हमारा एक जैसे गाना है डॉक्टर चमचम का कि मैं डॉक्टर चमचम, वो बच्चों को याद है। एक स्कूल का हमने स्पेशल गाना बनाया, क्लासेस सारी हो गई बंद, वो बच्चे देखें वो डिसेंट लैंग्वेज होगी तो बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे और गाएंगे भी तो बुरा नहीं लगता। जहां पर आपने अबे तू तड़ाक और बदतमीज और इस टाइप की लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दी तो सारा आपका किल हो जाता है। इसलिए कि पता है जो एंटरटेनमेंट के जरिए जो एजुकेशन दी जा सकती है ना, इनफॉर्मल तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से, वो बड़ी इफेक्टिव होती है। हम जो अपनी एजुकेशन को इतना ड्राई और इतना सख्त किस्म का बना देते हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ने भी इन चीजों का ख्याल रखा जाए, उनको पपेट्स के जरिए छोटे छोटे मॉन्टेसरी के जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैसेजेस आप दे सकते हैं। देखिए आज जो है वो हम इतने सालों से एक स्कूल जो है पता नहीं कितने साल बुला चुका है, वाई इसकी वजह ये, यू व्हेन यू गो देयर यू डू समथिंग गुड। बिल्कुल, और लैंग्वेज में बच्चों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, हमने तो पूरे टूर्स किए पाकिस्तान। अच्छा, लैंग्वेज के साथ साथ बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझना पड़ता है। दे नीड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट तो दे आर एंटरटेनमेंट स्टार्ट बेसिकली, ठीक है ना। साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ वी गिव देम मैसेजेस, वी डोंट हैमर देम विद जी ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। करें आप बताएं, जरूरी है कि आप वहां गए, आपने एक घंटे का शो किया तो उसमें बच्चों को कुछ मिलना चाहिए। एंटरटेनमेंट के साथ साथ मतलब कन्वे करें फन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, बिल्कुल, बट हार्ड हिटिंग नहीं होता वो। अच्छा, अब पपेट्री के साथ बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, आपकी क्रेडिट पे एक सर्कस, बहुत ही कामयाब सर्कस हुआ था, आपने देखा था 2005 में, 2005 उसके बारे में कुछ हमें बताएं। 2005 में हमने जो ये इवेंट किया था, इट वॉज इन कराची एंड वी डिड इट फॉर अबाउट 17 डेज, और वी हैड अ वंडरफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक। ये क्या प्लान था कि 17 डेज तक प्रोलॉन्ग करेगा, या आपने रिस्पांस देखा तो वो नहीं हमने सोचा हुआ था क्योंकि जो ये जो सर्कस आर्टिस्ट होते हैं ना, ये सारे बाहर से आए थे, सब बाहर से, और उनका तो पूरा ईयर का कैलेंडर बना हुआ होता है कि हमने इस दिन इधर होना है, इस दिन उधर होना है, तो उनकी जो डेट्स की अवेलेबिलिटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वी हैड हायर्ड देम फॉर 17 डेज, कंसेक्यूटिव शोज हुए, वी डिड 36 शोज। तो क्या कराया, रिट्स थिएटर ने कराया था, सब रिट्स आपने करवाया था, बाहर से आपने हायर किए थे, सबके वीजे, वीजाज, एयर टिकट्स, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी परफॉर्मेंस फीस, देन जो वेन्यू है, एवरीथिंग वॉज डन बाय रिट्स। एंड वी इन्वाइटेड पीपल फ्रॉम कैनेडा, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम चाइना, इवन हैड आवर ओन क्लाउन पाकिस्तान का, पाकिस्तानी टैलेंट जरूर है, वो तो है, जरूर है। अच्छा, वो टिम्मू जो दूर दूर से इशारे कर रहा है, मुझे सजनिया सुनाए, सजनिया सुनाए, क्या करें, सजनिया सुनाएंगे, सजनिया सुना, थोड़ा सा सुना दे प्लीज टिम्मू की फरमाइश पे, वो नाराज होके चले गए, आ ही नहीं रहे, सजनिया सुनाए, देखें शायद खुश हो जाए। हाँ, टिम्मू वापस आ गया, कितना खुश है ना। थैंक यू, आपने मेरा गाना चलाया, थैंक यू। ठीक है जी, टिम्मू खुश हो गया बिल्कुल अली जफर का गाना सुन के। सजनिया, टिम्मू ये आपकी सजनिया है? नहीं, ये तो अली जफर की है। ओ, अली जफर की, कोई बात नहीं, अली जफर की सजनी आती प्यारी, उनको देख के खुश हो गया टिम्मू, है ना। वैसे भी अब तक नहीं होगी वो, आप कोई चेंज हो गई होगी। नहीं, चेंज हुई होगी, लेकिन वो टिम्मू की परफॉर्मेंस देख के मेरे ख्याल है अली जफर को छोड़ के यहाँ आ जाएंगी। पॉसिबल है, पॉसिबल है।